नीट परीक्षा लीक के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। अम्बाला में भी इसी कड़ी में कांग्रेस सड़कों पर उतरी और परीक्षा लीक पर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने युवाओं के साथ प्रदर्शन किया और कहा कि लगातार परीक्षाएं लीक हो रही हैं, जिससे युवाओं में खासी नाराजगी है, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने कहा, ये सरकार परीक्षाओं पर युवाओं के भविष्य के प्रति गंभीर नहीं है, इसलिए सरकार को शिक्षा नहीं परीक्षा मंत्री की जरूरत है। यूजीसी नेट और अलग और तरह की जो परीक्षाएं हैं उसमें रोज पेपर लीक और जो नकल का पेपर लीक के थ्रू नकल की जो बात आ रही है, तो उससे जो पूरे देश के जो छात्र हैं उनका जो भविष्य अंधकार में दिख रहा है। साफ तौर पे दिख रहा है किस प्रकार से इस सरकार की लापरवाही या मिलीभगत, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, उसके कारण इस देश के हजारों लाखों जो छात्र हैं उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में आ चुका है। और इस सरकार का परीक्षा जो नहीं करवा पा रही है सरकार, बिल्कुल फेलियर हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि इस सरकार में शिक्षा मंत्री की बजाय अगर ये परीक्षा मंत्री रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। तो इसके खिलाफ आज युवाओं में रोष है। युवाओं का एक ही बड़ा प्रश्न है कि हमारे भविष्य का क्या होगा। जो लोग इतनी मेहनत करके पूरे पूरे साल पढ़ के कितने सालों से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचिंग की लाइन में आना चाहता है, कोई PhD करना चाहता है, इस प्रकार से अगर पेपर लीक होंगे तो उनका भविष्य का क्या होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आज इन देश के युवाओं को हम बताना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कुमारी शैलजा जी, उनकी आवाज़ सड़कों से लेकर सदन तक बुलंद करेंगे। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, क्या लगता है सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही? देखिए, जो मुझे लगता है अगर हम कुछ स्तरीय न्यायिक जांच करेंगे, किसी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराएंगे, तो पता चलेगा इसमें सरकार के ही जो लोग हैं उन्हीं की मिलीभगत है, उन्हीं की मिलीभगत से इस प्रकार से परीक्षाएं जो है उनमें बेईमानी हो रही है, लीक हो रही है। तो मेरी तो यही मांग है अपने जो मेरे युवा साथी हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनकी तरफ से कि उनके भविष्य को आप इस प्रकार से अंधकार में ना डालें। आपसे परीक्षाएं नहीं कराई जा रही, फेलियर है, तो आप साफ तौर पे एडमिट करें और कोई फुल प्रूफ ऐसा काम करें जिस